हेलो दोस्तों, तो जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं C10 हो गए, तो उनको स्टार्टिंग में इंग्लिश में ये समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। और आप में से किसी ने ये कमेंट भी किया था, सो ये जो वीडियो है वो केवल इंग्लिश पे होगी कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो इंग्लिश के लिए देखो, 100 मार्क्स की है स्कोरिंग है, यही आपको फाइनल तक ले जाती है। जैसे कि मेरा GS में स्कोर बहुत ही वीक था 2019 की अगर हम बात करें, सो मेरे ओनली कितने 19 मार्क्स थे। ठीक, तो लेकिन मेरा जो इंग्लिश का स्कोर था वो 80 अबव था। और रीजनिंग तो आपको पता ही अच्छी आती है स्टैनो में, मतलब हम अच्छा कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, तो आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करिए। मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो ये कभी मत सोचिए कि हमारी इंग्लिश वीक है और हमसे अच्छा से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर डिपेंड करता है, आपने सोच लिया आप वीक हैं, और अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आप वीक नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं और आप बेहतर हैं, चाहे इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना है। बेस कैसे मजबूत करेंगे? आपको सेंटेंस आने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारी चीज़ें, अब आप सोचेंगे तो 7th 8th की बात हो गई, तो वही जो 7th 8th में हमने गलती की, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसी की वजह है जो हम अभी वीक महसूस करते हैं। अगर हमने तभी अच्छे से पढ़ा होता तो शायद हमें ये फील नहीं होता कि हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। तो इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो आपको हर एक पॉइंट अपना स्ट्रांग रखना होगा। ये नहीं कि पेपर जल्दी आ रहा, हम जल्दी जल्दी पढ़ लें और सीधे कोई कंपटीशन की बुक ले लेते हैं, ब्लैक बुक ले लेते हैं, रट लेते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को समझना नहीं सीखेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन क्लू टेस्ट वगैरह नहीं गेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बेस मजबूत करना है। अगर मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। और फिर अब आते हैं नीतू मैडम की जो बुक है, प्लेन टू पैरामाउंट Volume 1, बहुत अच्छी बुक है। और हम ये नहीं कह रहे आप यही पढ़ो, क्योंकि मैंने वो पढ़ी इसलिए मुझे पता है, बाकी बुक का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो सिलेक्टेड हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको वो दूसरी बुक भी बोलते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बुक मैंने आज तक नहीं देखी है, इट्स ट्रू, क्योंकि मैंने 2019 और 20 के बाद फिर प्रिपरेशन करनी छोड़ दिया। आई एम हैप्पी हियर, तो मैंने ब्लैक बुक ना देखी और ना ही कभी उसको पढ़ा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम के लिए आप ब्लैक बुक लें, और आप इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट बुक। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे इंग्लिश का, चाहे SSC CGL का, MTS का, CHSL का सॉल्व करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता, तो वही आपका सोर्स है। कोशिश करें वो सारे वर्ड लिखें, उसकी मीनिंग भी लिखें। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक की। तो ऐसी बुक जो जिसमें हर एक टॉपिक हो, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान ली नाउन है, तो नाउन का पूरा चैप्टर, उसके पीछे उसकी एक्सरसाइज हो। नीतू मैडम की बुक में ये सारी चीज़ें हैं, और ये बुक हैं उसमें भी हो सकती हैं। मैं बार बार यही बुक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे तैयारी की है और मैंने कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी। ठीक है, और हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ें, 1 से 2 दिन लग जाने दो, 3 दिन लग जाने दो, उसके बाद पूरी चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छे से करें, जो नहीं आ रहा फिर से जाएँ और सारा कुछ पढ़ें। इस तरीके से आप धीरे धीरे, एक तो आप अपना पूरा बेस मजबूत करेंगे, दूसरी तरफ क्या करें कि जो MTS है, CHSL है, ठीक है, इसकी इंग्लिश प्रीवियस ईयर की करें, जिसमें सॉल्यूशन भी हो। उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। SSC CGL Tier 1 की जो इंग्लिश प्रीवियस ईयर है वो करें। और हम अभी आपको SSC स्टेनो प्रीवियस ईयर क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होता है, और अभी आपने पूरा तैयार नहीं किया हुआ तो आपको 100 क्वेश्चन भारी पड़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे और आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, इसलिए मैं वो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जब आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाए, फिर आप आराम से क्या करें, फिर स्टेनो के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जो हैं, जो कि आपको गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी करें, उसके GK भी पढ़ें। पर क्योंकि हम इस वीडियो में इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। और एक रजिस्टर ऐसा रखें, ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा हो, फेयर हो, कैसे भी रजिस्टर आप रख सकते हैं, उसमें डेट डालें कि इस डेट का हम प्रीवियस ईयर का SSC CGL का इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें जो नई नई चीज़ें आपने सीखी हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वर्ड आपको नहीं पता था, आपने वो सीख लिया। ठीक है, कोई एक सेंटेंस है उसमें उसके बाद क्या आना चाहिए था आपको नहीं पता था, लेकिन उस सॉल्यूशन में आपने समझा, जैसे सॉल्यूशन में जो आंसर लिख रहा था वो भी आपको समझ में आया, वो भी गूगल करिए। तो टेक्स्ट बुक वगैरह वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, जो ऐप हैं, अपने आप वो टेक्स्ट बुक का आ जाएगा लिंक, उसमें क्लिक करेंगे आप तो उसमें सॉल्यूशन दे रहेगा विद रीजन कि ये इसका आंसर ये क्यों है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गूगल इज़ हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश अच्छी करिए। और
बेसिक पढ़िए अच्छे से, फिर प्रीवियस ईयर लगाइए जिसमें सिंपल वाले प्रीवियस ईयर लगाइए जैसे कि SSC स्टेनो, SSC CHSL, MTS, Tier 1 CGL का। फिर जब आपका बहुत सारा हो जाए बेसिक, इसके बाद आप स्टेनो का लगाइए। इस तरीके से आपकी इंग्लिश ज़रूर मजबूत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है तैयारी करनी स्टार्ट की, ब्लैक बुक ले ली, आप बोर हो जाएंगे, कितनी सारी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर पढ़िए, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता, उनको नोट डाउन करिए, याद करिए। केवल एंटोनिम के लिए आप इतनी मोटी बुक अगर लें, आई डोंट नो कि वो इतनी मोटी कितनी मोटी है, ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट डिसीजन आपका होता है और समझाना मेरा काम है, और मेरा जो समझाना काम है वो मेरे खुद के अनुभव से है, हो सकता है चीज़ें बदली हों और भी अच्छी बुक हों, तो मैंने आपको हिंदी, बाकी आपके हाथ में है। थैंक यू।